जय माता दी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का छठा दिन। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ का ये रूप करुणामयी बताया गया है। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया था, जिस कारण उन्हें कात्यायनी देवी के नाम से जाना गया। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता सिंह की सवारी करती हैं और इनकी चार भुजाएं हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता के गुण शोध कार्य है, इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। चलिए अब मैं आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना और मंत्र का श्रवण कराती हूँ। देवी कात्यायनी की पूजा का मंत्र और लाभ। माता का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। माता का मंत्र चंद्रहासोज वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभान दद्या देवी दानव घातिनी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करके नवरात्र के छठे दिन देवी की पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि शेर पर सवार दानवों का नाश करने वाली देवी कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। चलिए जानते हैं माँ की पूजा विधि। देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और इनका श्रृंगार भी लाल रंग का होना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। बता दे कि नीला रंग शुक्र के अनुकूल प्रभ को भी बढ़ाता है। आप श्रवण करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माँ कात्यायनी की कथा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए क्रोध से और देवताओं की ऊर्जा किरणों से ऋषि कात्यायन के आश्रम में संयुक्त रोशनी को देवी का रूप दिया गया। इसके बाद माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम का दैत्य का वध किया। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से रोग दुख संताप और भय दूर हो जाता है। क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्व हैं। जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।